Myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel. But before starting this video, it's my request to all viewers, please like, share and subscribe my channel. I promise you I will give you the best content for boards and NEET. So today we are going to study about biology NEET paper of 2006 year. So without wasting time, let's get started. Our first question is, what would be the number of chromosomes in the cells of aileron layer in a plant species with 8 chromosomes in its synergids? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसा प्लांट स्पीसीज जिसके सिनर्जिड्स में 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो उसके एलरॉन लेयर की सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. ऑप्शंस आर 16, 32, 24 एंड 8. तो क्या होता है कि जो हमारी सिनर्जिड्स होती हैं वो हमेशा हैप्लॉयड सेल्स होती हैं. हैप्लॉयड सेल्स होती हैं और इनका एक पेयर होता है जो कि एग के पास में रहती है. ठीक है, अब एग के पास में रहती हैं तो उनका शेप कुछ इस तरीके का होता है. जो ऊपर एग होता है इनके पास में इस तरीके से नीचे ही अटैच रहती हैं उससे. अब हमारी जो सिनर्जिड्स हैं वो हैप्लॉयड हैं और ये जो एलरॉन लेयर है ये बनी होती है, ये एक टाइप की पार्ट होता है एंडोस्पर्म का. और एंडोस्पर्म जो होता है वो एक ट्रिपलॉयड टिश्यू होता है और वो ट्रिपलॉयड टिश्यू तब बनता है जब यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन जो है वो चलता है. तो जिस तरीके से हमारी सिनर्जिड जो है वो हैप्लॉयड है और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड है, तो जब हम सिनर्जिड्स का जितने क्रोमोसोम्स हैं उसका हम जितना अगर ट्रिपल करेंगे, अगर हम सिनर्जिड्स के क्रोमोसोम्स का ट्रिपल करेंगे तो हमें एंडोस्पर्म की सेल्स के जो क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम नंबर हैं, वो हमको यहाँ पर मिल जाएंगे. तो इसलिए इसका आंसर होगा 24. इस क्वेश्चन को आपको हमेशा याद रखना है कि अगर सिनर्जिड्स के क्रोमोसोम दे रहे हैं और एंडोस्पर्म के पूछ रहे हैं तो हम इस तरीके से सिनर्जिड्स का क्रोमोसोम का इंटू थ्री करके उसका आंसर निकाल लेंगे. अगर यहाँ पे उल्टा पूछ रहे हैं कि मतलब एंडोस्पर्म के दे रखे हैं और सिनर्जिड्स का यहाँ पे बताने हैं, तो उसका हम बाय थ्री कर देंगे तो उससे इसका आंसर निकल आएगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, पाइनएप्पल एनास फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम. पाइनएप्पल का जो फ्रूट होता है वो डेवलप होता है कहाँ से. ए यूनिलोकुलर पॉलीकार्पली फ्लावर, ए मल्टी पिस्टलेट सिनकार्पस फ्लावर, ए क्लस्टर ऑफ कम्पैक्टली बॉन्ड फ्लावर्स ऑन ए कॉमन एक्सिस, ए मल्टी लोक्युलर मोनोकैपिलरी फ्लावर. तो ये जो फ्रूट होता है पाइनएप्पल का, उसको हम एक्चुअली में बोलते हैं सोरोसिस. अगर क्वेश्चन आता है कि पाइनएप्पल के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सोरोसिस. सोरोसिस का मतलब ही होता है ए टाइप ऑफ मल्टीपल फ्रूट, एक ऐसा फ्रूट जिसके अंदर एक से ज़्यादा फ्रूट्स अरेंज्ड हों कम्पैक्टली. और ज़्यादातर इसका जो फ्रूट है वो डेवलप करता है दो पार्ट से, विच इज स्पाइक एंड स्पेंडिक्स. सो इसका आंसर होगा ए क्लस्टर ऑफ कम्पैक्टली बॉन्ड फ्लावर्स ऑन ए कॉमन एक्सिस. Now, next question. Golden rice is a promising transgenic crop. When released for cultivation, it helps in. Golden rice जो है वो promising एक transgenic crop है. Transgenic crop मतलब होता है एक ऐसा crop जिसमें हमने खुद के genes डाले, मतलब जिसमें हमने बाहर से लेकर कुछ advanced gene एक normal plant में जब डालते हैं तो उसको बोलते हैं transgenic crop. और जब उसको कल्टीवेशन के लिए रिलीज़ किया गया तो उसने हेल्प किया इन द एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, पेस्ट रेसिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड प्रोड्यूसिंग ए पेट्रोल लाइक फ्यूल फ्रॉम राइस. तो इसका आंसर है A1. गोल्डन राइस को मतलब रिलीज़ किया गया कल्टीवेशन के लिए तो उसने हेल्प किया विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम करने में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई. पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स को हम बना सकते हैं कैसे, बाई रिमूविंग एंड्रोशियम ऑफ फ्लावर्स बिफोर पॉलिन ग्रेन्स आर रिलीज, ट्रीटिंग द प्लांट विद लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन्स, रेजिंग द प्लांट्स फ्रॉम वर्नलाइज सीड्स, ट्रीटिंग द प्लांट विद फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट. तो इसका आंसर है
बी वन, जब प्लांट्स को हम जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सीजन के लो कंसेंट्रेशन से ट्रीट करते हैं तो वो अपने आप ही पार्थिनोकार्पी जो है वो शो करने लगते हैं। और ये जो लास्ट में एमसीक्यू है यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है फिनाइल मर्क्यूरी एसिटेट, ये जो है ये तरीका ऐसा केमिकल है जिसको प्लांट्स में लोग यूज़ करते हैं इसको एक एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह। सीवर है रिसीविंग प्लांट फ्रॉम वर्नलाइज सीड। वर्नलाइज सीड मतलब होता है कि एक ऐसे सीड्स जिनको हम बहुत ही लो टेम्परेचर में रख के उनकी डोरमेंसी तोड़ते हैं, उन्हें कहा जाता है वर्नलाइज सीड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज प्रनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेड्स डेंस। सो ऑप्शंस आर, इट इंड्यूसेस द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू शूट्स, इट फ्रीज एक्सिलरी बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, द एपिकल शूट ग्रोज फास्टर आफ्टर प्रनिंग, इट रिलीजेज वाउंड हॉर्मोन। तो इसका आंसर होगा इट फ्रीज एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम। ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये कैसे होता है? ऑप्शंस आर, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, मेथेमोग्लोबिन, एक्सेस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ टीडीएस। तो इसमें क्या होता है, ये जो डिसीज होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये तब होती है जब बॉडी में मेथेमोग्लोबिन जो है बढ़ जाता है। अगर हम बात करें इसका मेन कॉज क्या है, मेथेमोग्लोबिन का मेन कॉज क्या होता है, तो द मेन कॉज ऑफ द डिसीज आर द नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स जो कि किसान जो हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर डालते हैं ताकि उनके क्रॉप जो हैं अच्छे से हेल्थी हों, अच्छे से ग्रो करें वो, तो जब ये नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स जब वो अपनी सॉइल में डालते हैं तो उस क्रॉप से ये जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं वो ह्यूमंस की बॉडी में पहुंच जाते हैं और फिर ये वहाँ पे इंटेस्टाइन में जा पहुंचते हैं तो वहाँ पे माइक्रोबियल फ्लोरा से ये नाइट्रेट में नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये नाइट्राइट्स जब ब्लड के हीमोग्लोबिन से ऐड होते हैं तब ये बनाते हैं मिथेमोग्लोबिन, जिससे मिथेमोग्लोबिन ग्लोबिनेमिया एडल्ट्स में हो जाता है और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो चिल्ड्रंस में हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मिथेमोग्लोबिन। मिथेमोग्लोबिन जब होता है तब ये सिंड्रोम किसी को हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेइंग मेंटिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ, ऑप्शंस आर म्यूलेरियन मिमिक्री, वार्निंग कलरेशन, सोशल इंसेक्ट्स एंड कैमोफ्लेक। तो जो प्रेइंग मेंटिस है वो एक गुड एग्जांपल है सोशल इंसेक्ट्स का। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा एक लार्ज सोशल इंसेक्ट है, इसका एक स्मॉल ट्रायंगुलर हेड होता है, लॉन्ग प्रोटोथोरेक्स है, इसका एब्डोमेन के अंदर इसके 10 सेगमेंट्स आते हैं लाइक कॉकरोच एंड इसके विंग्स भी बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं। अब ये इसके बाद भी इतना अच्छा एग्जांपल क्यों है, तो ये इतना अच्छा एग्जांपल इसलिए है बिकॉज ये बहुत से हार्मफुल इंसेक्ट्स जो होते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसका ऑप्शन जो है इस साइड हैं, तो ऑप्शंस आर, न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नेदर हॉर्मोन्स कंट्रोल एक्टिविटी नॉट द न्यूरॉन्स कंट्रोल एंडोक्राइन एक्टिविटी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। तो इसका आंसर होगा, A1, इसका आंसर होगा ए वाला, जिस जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं एंडोक्राइन एक्टिविटी को, बस जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, हाइपोथैलेमस ये सब होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं एंडोक्राइन एक्टिविटी को बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारी न्यूरल एक्टिविटी कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हमारा ब्रेन जो है वो हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ ए पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया
shows large immature nucleated erythrocytes without hemoglobin, supplementing his diet with which of the following is likely to elevate his symptoms. ठीक है, तो हमने एक ब्लड, हमने एक पर्सन का ब्लड देखा है जहाँ पे हमने देखा है कि उसे एनीमिया है, उसके अंदर बड़ी बड़ी लार्ज इमेच्योर न्यूक्लियस वाली आरबीसीज हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन तो है ही नहीं, तो हम उसकी डाइट में क्या ऐड करेंगे जिससे हम उसके इस सिम्टम्स को बदल सकें. तो ऑप्शंस आर थियामिन, फॉलिक एसिड एंड कोबालमिन, राइबोफ्लेविन एंड आयरन कंपोनेंट्स कंपाउंड्स. सो आंसर इज द आयरन कंपाउंड्स. अब आप जानते होंगे कि ये एनीमिया क्या होता है. एनीमिया मीन्स इट रिफर्स टू एनी कंडीशन इन विच देयर इज अ एबनॉर्मली लो हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन. ठीक है, जब बॉडी में हीमोग्लोबिन की जो कंसेंट्रेशन है बहुत ही कम रह जाती है तो उसे कहा जाता है एनीमिया. और इस एनीमिया को एलिवेट करने के लिए हम आयरन कंपाउंड्स को लेते हैं, बिकॉज आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का डेरिवेटिव होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर्स इन ए पर्टिकुलर रीजन वर कंसर्न दैट प्रीमैच्योर येलोइंग ऑफ लीव्स ऑफ ए पल्स क्रॉप माइट कॉज डिसीज इन द यील्ड, विच ट्रीटमेंट कुड बी मोस्ट बेनिफिशियल टू ऑब्टेन मैक्सिमम सीड यील्ड. ऑप्शंस आर फ्रीक्वेंट इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स विद साइटोकाइनेंस अलोंग विद स्मॉल डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, रिमूवल ऑफ ऑल येलो लीव्स एंड स्प्रेइंग द रिमेनिंग ग्रीन लीव्स विद 2-5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसेटिक एसिड. नाउ लास्ट ऑप्शन, एप्लीकेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम टू प्रमोट सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल. तो आपने क्लास 11th या 12th का एक चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें आपने पढ़ा होगा कि बहुत से डिफरेंट टाइप्स के हमारे मिनरल्स होते हैं जो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म करने में. ठीक है, जैसे यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और आयरन जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट में क्लोरोसिस और प्रीमैच्योर लीव एब्सेंस को कम करने में. मैग्नीशियम जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का. एंड इट्स, अगर मैग्नीशियम, अगर कोई प्लांट्स में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो उससे क्लोरोसिस हो जाता है, मतलब उसकी बॉडी में क्लोरोफिल का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है और प्रीमैच्योर लीव एब्सेंस हो जाता है, मतलब मैच्योर होने से पहले ही लीव्स जो होती हैं वो तो मुड़ जाती हैं और वो गिरने लगती हैं. दूसरा यहाँ पे आ रहा है आयरन. आयरन का क्या करता है, तो जो आयरन है, जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो लीव्स जो होती हैं वो क्लोरोटिक हो जाती हैं, बिकॉज आयरन जो है वो चाहिए होता है क्लोरोफिल प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए. तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोविंग फ्रूट्स इज द एडिबल पार्ट द एरल. इनमें से कौन से फ्रूट में एडिबल पार्ट जो है वो एरल होता है. ऑप्शंस आर कस्टर्ड एप्पल, पोमग्रेनेट, ऑरेंज एंड लीची. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे जो एरल है इसका मीन क्या है. एरल इज द एडिबल पार्ट इन द फ्रूट ऑफ लीची. जो लीची होता है इसके फ्रूट का एडिबल पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं एरल. द एरल इज एन एसेसरी सीड कवरिंग ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम एन आउट ग्रोथ एट द बार्स ऑफ ओव्यूल. इसका आंसर आप जान गए हो, इसका आंसर जो है वो लीची है, बिकॉज लीची की का जो फ्रूट होता है उसके बाहर की जो कवरिंग होती है उसे कहा जाता है एरल, जिसको हम खाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स वॉज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट. मिलर और यूरिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ की जितनी भी कंडीशंस थी वो उन्होंने अपनी लैब में पूरी क्रिएट की थी बाकायदा. तो इसमें से कौन सा एमिनो एसिड उनके एक्सपेरिमेंट में नहीं बना. तो ऑप्शंस आर ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एलेनाइन. तो आंसर इज द ग्लूटामिक एसिड. ग्लूटामिक एसिड एक ऐसा एसिड था जो कि उनके एक्सपेरिमेंट में नहीं बनाता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन मोनोकल्चर आर. एक ऐसे क्रॉप प्लांट जो ग्रो करते हैं मोनोकल्चर में, उनके ऑप्शंस हैं वो लो इन यील्ड, फ्री फ्रॉम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर रूट सिस्टम, हाईली प्रोन टू पेस्ट.
इसका आंसर होगा D1। मोनोकल्चर मतलब एक लार्ज बड़ी फील्ड में जब हम सिर्फ एक टाइप की क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसे कहा जाता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में क्या होता है, जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं मोनोकल्चर में, तो वो मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का डर बहुत रहता है। बिकॉज अगर वहाँ पे एक प्लांट को इन्फेक्शन होगा तो सभी प्लांट्स को बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन होने चांसेस रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच कॉल्स फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज वॉज पास्ड इन द ईयर। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए आया था ह्यूमन एक्टिविटीज से, ये पास हुआ था कौन से ईयर में? ऑप्शंस आर 1986, 1987, 1988 एंड 1985। तो द आंसर इज 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज DT/dn=RN, dn/rn=dt, rn/dn=dt, dn/dt=rn। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है जो इसका आंसर बिल्कुल सामने ही NCERT में दिया गया है। इसका आंसर होगा dn/dt=rn। यहाँ पे dn/dt का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो डी टर्म बार बार आ रहा है इसका मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज, कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कैसे किस तरीके से वहाँ पर चेंज हुआ है, और टी का मतलब यहाँ पर होता है टाइम, एन का मतलब क्या होता है, तो एन इज कॉल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स एट ए पर्टिकुलर टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम में उस एरिया में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। स्मॉल आर इज कॉल्स टू बायोटिक पोटेंशियल ऑफ ईच फीमेल, मतलब वहाँ पे हर एक फीमेल का क्या बायोटिक पोटेंशियल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या यूज नहीं करते हैं? ऑप्शंस आर ड्राई वेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, फ्रेश वेट। तो आपने NCERT में इन तीन टर्म्स को सुना होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो एंड फ्रेश वेट। बट हमने यहाँ पे एक्चुअल में नहीं, हमने यहाँ पे ड्राई वेट पढ़ा है, NCERT में ड्राई वेट पढ़ा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का पढ़ा है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पढ़ा है, बट हमने वहाँ पे कोई फ्रेश वेट नहीं पढ़ा है। तो इसका आंसर होगा फ्रेश वेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइके ओवरलैप इंडिकेट्स ऑप्शंस एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन टू स्पीसीज, टू डिफरेंट पैरासाइट्स ऑन द सेम होस्ट, शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन टू स्पीसीज एंड म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीसीज। तो इसका आंसर होगा टू डिफरेंट पैरासाइट्स ऑन द सेम होस्ट, जब दो डिफरेंट पैरासाइट्स सिर्फ एक ही होस्ट पर रह रहे हैं और अपना उससे फूड गेन कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है नाइके ओवरलैप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिस्टम फर्स्ट में ये जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शंस आर फेरोक्सिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइन एंड आयरन सल्फर प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा एंड आयरन सल्फर प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशंस टू ब्रेक इट डोरमेंसी इज कॉल्ड। जब हम सीड्स की डोरमेंसी तोड़ने के लिए उनको लो टेम्परेचर में रखते हैं तो उसे कहा जाता है स्कैरिफिकेशन, वर्नलाइजेशन, चलेशन एंड स्टेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्कैरिफिकेशन मतलब क्या होता है। स्कैरिफिकेशन इन्वॉल्व एनी डैमेज और ब्रेकेज ऑफ सीड कोट बाई फिजिकल मैथड्स। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी सीड्स की डोमेंसी को तोड़ते हैं कोई भी फिजिकल मेथड से, जैसे हम अगर हथौड़ा लेके उसको सीड पे मार रहे हैं, तो ये एक तरीके का फिजिकल मेथड है कोई भी सीड की डोमेंसी को ब्रेक करने का। दूसरा यहाँ पे आता है वर्नलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? वर्नलाइजेशन एंड चलेशन जो है आपस में काफ़ी सिमिलर हैं। तो क्या होता है इसमें? वर्नलाइजेशन एंड चेलेशन इज द चिल ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स इन इट्स अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री टू स्टिमुलेट और इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग। जब हम यंग प्लांट्स को अर्ली स्टेज में उनको हम शॉक ट्रीटमेंट्स देते हैं,
लो टेम्परेचर की, जब हम उनको बहुत ही कम टेम्परेचर पे बहुत ही ठंडक वाले एरिया में रखते हैं उनको, तो उसे कहा जाता है वर्नलाइजेशन एंड चलेशन, ताकि उनमें अर्ली फ्लावरिंग हो सके। लास्ट वन इज द स्टेरिलिफिकेशन। व्हाट इज स्टेरिलिफिकेशन? तो इट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर लाइक 5 to 10 डिग्री सेल्सियस अंडर सफिशियंटली मॉइस्ट कंडीशंस टू ब्रेक इट्स डोरमेंसी एंड टू इंड्यूस जर्मिनेशन। जिसका आंसर होगा स्टेरिलिफिकेशन। बिकॉज यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम सीड्स की डोरमेंसी जो है वो ब्रेक कर रहे हैं लो टेम्परेचर पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लॉविंग इज द मोस्ट सुटेबल मीडियम फॉर कल्चर ऑफ ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर? ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर जो एक तरीके की फ्रूट फ्लाई है, उसके कल्चर के लिए हम में से कौन सा एक मीडियम सुटेबल है? तो ऑप्शंस आर मॉइस्ट ब्रेड, एगार एगार, रेबनाना, काउडंग। तो ये जो ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर जो होती है, इसके रहने का जो सबसे अच्छा जो मीडियम है जहाँ पे वो रहती है वो है रेबनाना। पका हुआ बनाना जो होता है वहाँ पे ये इसका कल्चर जो है वो बनता है। अब बात करें मॉइस्ट ब्रेड की, तो ये जो मॉइस्ट ब्रेड है इस पर हमेशा राइजोपस और एल्ब्यूगो नेम की जो ब्रेड मोल्ड है वो आती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन? में से कौन सा इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आता है? ऑप्शंस आर सैंक्चुअरी, बोटेनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। तो इसका आंसर होगा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं वो हमारे इन सीटू में नहीं आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस? ऑप्शंस आर एथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलीन। इसका आंसर होगा टेट्रासिलीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो फीनोटाइप होते हैं वो रिजल्ट होता है किस चीज़ का? ऑप्शंस आर म्यूटेशन एंड लिंकेज एंड यहाँ पे इसके होंगे और ऑप्शंस म्यूटेशन एंड लिंकेज, साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट्स एंड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल चेंजेस एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म के कैसे क्या फिनोटाइप होंगे वो हमेशा डिसाइड करते हैं उसके जीनोटाइप्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन डज नॉट कॉन्टेन, फोटोकेमिकल स्मोक पॉल्यूशन में नहीं होता है ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, PAN। जो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस पीट इज यूज एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लिव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेस बिकॉज इट इज इजली अवेलेबल, इट इज हाइड्रोस्कोपिक, इट रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन, इट सर्व एज अ डिसइनफेक्टेंट। इसका आंसर होगा इट इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है एक ऐसी चीज जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। स्फेग्नम जो होता है उसे कहा जाता है मॉस पीट या पीट मॉस, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रखता है। इसलिए अगर हमें मतलब बहुत दूर प्लांट्स को भेजना होता है लिव प्लांट्स को, तो प्लांट मुरझाए ना या मरे नहीं, उसके लिए हम प्लांट्स को स्फेग्नम के अंदर पैक करके भेजते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स इज? अब यहाँ पूछ रहे हैं कि वेसल एलिमेंट्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के कॉमन फीचर क्या हैं। ऑप्शंस आर थिक सेकेंडरी वॉल्स, पोर्स ऑन लेटरल वॉल्स, प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन एंड ई न्यूक्लियर कंडीशन। तो आंसर इज द पोर्स ऑन लेटरल वॉल्स, इनकी लेटरल वॉल्स में पोर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड लाइक मैग्जोमाइसाइट्स इज नॉन एज, कोई भी स्लाइम मोल्ड की थैलॉइड बॉडी को हम बोलेंगे क्या? ऑप्शंस आर प्रोटोनेमा, प्लास्मोडियम, फ्लोटिंग बॉडी एंड माइसीलियम। तो इसका आंसर होगा माइसीलियम, बिकॉज द मेम्बर्स ऑफ मैग्जोमाइसाइट्स आर कॉल्ड स्लाइम मोल्ड्स because they contain and secrete slime. Now,
इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर मैटर्नल इन्फ्लुएंस अमंग द ऑफस्प्रिंग. ऑप्शंस आर ऑटोसोमल, साइटोप्लाज्मिक, बाइलिंक्ड, एक्सलिंक्ड. द आंसर इज द साइटोप्लाज्मिक. द रीजन इज दैट बिकॉज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और द एग हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग मैनी सच ऑर्गेनिल्स विच कॉन्टेन देयर ओन जीन्स एंड कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली. अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा मतलब इनहेरिटेंस का मोड हो जहाँ पे मैटरनल कैरेक्टर्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया हो, वो ज़्यादा शो हो एक ऑफस्प्रिंग में, तो अगर इनहेरिटेंस जो है वो साइटोप्लाज्मिक के बेसिस पे होता है तो उस ऑफस्प्रिंग में ज़्यादा मैटरनल इन्फ्लुएंस दिखेंगे, बिकॉज एक एग के अंदर के साइटोप्लाज्म में खुद के जीन्स प्रेजेंट होते हैं. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज सीन इन दी स्वीट पी. स्वीट पी मतलब शक्लकंदी में कौन टाइप के हमको प्लेसेंटेशन मिलेगी. तो आंसर इज दी डी वन, विच इज मार्जिनल. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग फ्लामेंटस थ्रेड्स प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कूप ऑफ मेज आर. ऑप्शंस आर एंथर्स, स्टाइल्स, ओवरीज एंड हेयर्स. तो जो यंग कूप में जो मतलब ऐसे थ्रेड्स आप देखे होंगे जब आपने मक्का खाते हो, तो उसमें ऐसे थ्रेड्स जो होते हैं उस थ्रेड में प्रेजेंट होते हैं थ्रेड्स, वो एक्चुअल में उसकी स्टाइल्स होती है. किसकी? मेज की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस. कॉनिफर्स जो होते हैं वो उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं. डिफर फ्रॉम ग्रासेस, ग्रासेस जो होती हैं एंजियोस्पर्म में आती हैं, तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं एंजियोस्पर्म से अलग होते हैं. इन दी ऑप्शंस आर प्रोडक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल, लैक ऑफ साइलम ट्रैचेट्स, एब्सेंस ऑफ पोलन ट्यूब्स, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन. तो हमारे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं एंडोस्पर्म से अलग होते हैं इस चीज़ में कि इनमें फर्टिलाइजेशन से पहले ही इनमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाई ए प्लांट हैविंग द जीनोटाइप ए ए बी सी सी. ऑप्शंस आर 3, 9, 4, 2. तो अगर हम इस जीनोटाइप को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे एक दो जीनोटाइप्स जो हैं वो मिल रहे हैं. पहला हमें यहाँ मिल रहा है डोमिनेंट और दूसरा हमें मिल रहा है यहाँ पे एक रिसेसिव. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा डी वन, मतलब 2. यहाँ पे हमें ऐसे दो जीनोटाइप्स मिल जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेज, एक मेज में हाइब्रिड विग्योर जो है एक्सप्लॉइट होता है कैसे? बाय बॉम्बार्डिंग द प्रोटोप्लास्ट विद डीएनए, बाय क्रॉसिंग ऑफ टू इनब्रीड पेरेंटल लाइंस, बाय हार्वेस्टिंग सीड्स फ्रॉम मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स इंड्यूसिंग म्यूटेशंस. तो इसका आंसर होगा बी, बाय क्रॉसिंग ऑफ टू इनब्रीड पेरेंटल लाइंस. और मेज में सबसे पहले हाइब्रिड विग्योर के बारे में बताया था जी एच शल ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज नॉट करेक्ट. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के रिगार्ड में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो रॉन्ग है? आउटर मेम्ब्रेन इज परमीबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, द एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ अनफोल्डिंग्स, द आउटर मेम्ब्रेन रिसेम्बल्स ए शेप. तो इसका आंसर होगा बी वन, द एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन. ये जो एंजाइम्स होते हैं ETS के, ये एक्चुअल में एम्बेड रहते हैं इनर मेम्ब्रेन में, ना कि आउटर मेम्ब्रेन में. तो इसलिए ये आंसर जो है वो रॉन्ग है. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड सिक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सिक्वेंस ऑफ. अमीनो एसिड की सिक्वेंस कैसी रहेगी जब एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसे कौन डिसाइड करता है? ऑप्शंस आर TDNA, mRNA, cDNA एंड rRNA. तो इसका आंसर होगा mRNA. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O yields 686 calorie एंड द
यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ वन मोल ऑफ एटीपी इज 12 कैलोरी. ऑप्शंस आर 2, 31 एंड 57. जैसे कि आप सब जानते हो कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हमेशा 30 एटीपी प्रोवाइड करता है. तो इसका आंसर होगा क्या, 30. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर कोएंजाइम, हॉलो एंजाइम, आइसो एंजाइम, एपो एंजाइम. तो आंसर इज द कोएंजाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. बोमन्स ग्लैंड आर फाउंड इन द ऑप्शंस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, कॉर्टिकल न्यूरॉन्स एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी न्यूरॉन्स. इसका आंसर होगा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. नाउ द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलियम दैट कॉजेस बॉट्यूलिज्म इज. ऑप्शंस आर फैकल्टेटिव एनारोब, एन ऑब्लिगेट एनारोब, फैकल्टेटिव एरोब, एन ऑब्लिगेट एरोब. तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो बैक्टीरियम होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनियम, ये बॉट्यूलिज्म करता है. अब इसका मतलब क्या होता है, तो बॉट्यूलिज्म का मतलब होता है ए फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग करता है और ये एक तरीके का ऑब्लिगेट एनारोब है. तो आंसर इज द ऑब्लिगेट एनारोब. ठीक है. अब अगर कोई पूछता है इसका शेप कैसा होता है, तो ये रॉड शेप्ड होता है. ये जो बैक्टीरिया होता है वो रॉड शेप्ड होता है और मोस्टली हमको मिट्टी में या बहुत से फ्रेश वाटर सेडिमेंट्स में मिल जाता है. ये जो बैक्टीरिया होता है वो बॉट्यूलिनियम नाम का एक टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो कि बहुत ही फैटल फूड पॉइजनिंग जो है वो करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मेज्ड पेयर ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल एंड नेशनल पार्क. तो इसका आंसर आपको दिख ही रहा है, विच इज डायनोसोरस, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है. बाकी सब ये रॉन्ग हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पर्सन शोइंग अनप्रेडिक्टेबल मूड्स, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस, क्वारलसम बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया, बीपीडी, मूड डिसऑर्डर्स एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स. इसका आंसर होगा स्किज़ोफ्रेनिया. एक ऐसा मतलब इंसान जो मतलब उसका मुंह कब क्या कर दे, उसके मतलब उसके उसके मन में क्या चल रहा है वो हम कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उसे यहाँ बोल रहे हैं हम अनप्रेडिक्टेबल मूड्स, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन. क्या कहो वो मतलब अचानक से इमोशनल हो जाए, कहो वो अचानक से लड़ने लगे, कहो एकदम से वो परेशान हो जाए. तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये सब सिम्टम्स जो होते हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सल्फर इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन. ऑप्शंस आर पल्स क्रॉप्स, सीरियल्स, ऑयल सीड्स एंड क्रॉप्स. आंसर इज द पल्स क्रॉप. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन. पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स बाई कैपिलरी ओवरी विद ऑब्लिक्यू सेप्टा एंड फ्रूट ऑफ कैप्सूल ऑफ बेरी आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एस्टेरेशिया, ब्रासिशिया, सोलेशिया एंड लिलिएशिया. आंसर इज द सोलेशिया. इन मॉस द सेप्रोफाइट्स इज पार्शियली पैरासाइट ऑन द जिम्नोस्पर्म, प्रोड्यूसेस गैमेट्स दैट गिव राइज टू गैमेटोफाइट, arise from a spore produced from the gametophyte, manufacture food for itself as well as for a gametophyte. तो आपने अगर NCERT में एक मॉस फ्यूनेरिया की अगर इमेज देखी है, तो नीचे आपने देखा होगा कि नीचे गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है. जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट से अपना पूरा न्यूट्रिशन और फूड लेता है. तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वन, इज पार्शली पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट. ये पार्शली पैरासाइट रहता है गैमेटोफाइट पे. ऐसा क्यों है, बिकॉज जो गैमेटोफाइट पोर्शन होता है उस मॉस का वो सॉइल के पास रहता है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर रहती हैं, जिससे वो अपना फूड गेन करता है. नाउ क्योरिंग
ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाई द एक्टिविटी ऑफ, ये जो क्यूरिंग होती है टी लीव्स की कैसे होती है, तो ये होती है बैक्टीरिया से, माइकोराया से, वायरस से, फंजाई से. आंसर इज द बैक्टीरियल एक्टिविटी से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल लिविंग एट सी लेवल हैव अराउंड 5 मिलियन RBC पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ देयर ब्लड, वेयर एज दोज लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड हैव 5400 मीटर्स हैव अराउंड 8 मिलियंस. दिस इज बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड पीपल गेट पॉल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ एंड मोर ऑक्सीजन अवेलेबल. एटमोसफियर O2 लेवल इज लेस एंड हैंस मोर RBC आर रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 टू सर्वाइव. देयर इज मोर यू रेडिएशन विच एनहेंसेज RBC प्रोडक्शन. पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड, देयर फॉर मोर RBC आर फॉर्म्ड. तो इसका आंसर होगा B1. ऐसे लोग जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वहाँ पे एटमोसफियरिक ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीजन बॉडी में बने उसको एब्जॉर्ब करने के लिए RBC जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है. इसलिए ऐसे लोग जो पहाड़ी इलाके के होते हैं उनकी बॉडी में RBC का अमाउंट जो है वो ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू पीपल लिविंग एट दी सी लेवल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, An important evidence in favor of organic evolution is the occurrence of homologous and vestigial organs, analogous and vestigial organs. Homologous organs only, homologous and analogous organs. Iska answer hoga homologous and vestigial organs. Now next question, which of the following is not a living fossil? Isme se kaun sa living fossil nahi hai? Options are king crab, iphalodon, archaeopteryx and peripatus. So answer is the Archaeopteryx. ये अब लिविंग नहीं है, ये मर चुका है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल माइग्रेशन डज नॉट ऑकर इन द केस ऑफ सलमेंडर, सेबेरियन क्रैन, सलमेंडर एंड आर्कटिक टर्न. तो एनुअल माइग्रेशन जो होती है वो सलमेन के केस में, सलमेंडर के केस में नहीं होती है. तो आंसर इज द सलमेंडर, बिकॉज सलमेंडर जो होता है वो एक सेमी टेरेस्ट्रियल लिजार्ड लाइक टेल्ड एम्फीबियन होता है जो रहता है स्टोन्स के अंदर, लॉग्स के अंदर और कोई भी क्रेविसेस के अंदर, और ये शो करते हैं हिबरनेशन. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ब्रेक थ्रो इन द स्टडीज ऑफ सेल्स क्लेम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दिस इज बिकॉज द रिजोल्यूशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप. द रिजोल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 200 to 350 nm कम्पेयर टू 0.1 to 0.0 nm फॉर द लाइट माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन बीम कैन पास थ्रू थिक मटेरियल्स वेयर एज लाइट माइक्रोस्कोपी रिक्वायर्स थिन सेक्शंस. द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर पावरफुल देन द लाइट माइक्रोस्कोप एज इट यूजेस ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैज अ वेवलेंथ मच लॉन्गर देन दैट ऑफ फोटॉन्स. तो इसका आंसर होगा A1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग सेट ऑफ ए फाइलम एंड इट्स 3 examples. तो ऑप्शंस आर निडेरिया, प्लेटी हेलमिंथसिस, मोलस्का एंड पॉलीफेरा. तो इसका आंसर होगा C1. मोलस्का के अंदर जो है वो लोलिगो आता है, चरेडो आता है और ऑक्टोपस आता है. ये बिल्कुल सही आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. ऑप्शंस आर प्लेटी हेलमिंथसिस, आर्थ्रोपोडा, एकानाटोमेटा, एनलिट्स, एनलिट्स एंड आर्थ्रोपोडा, मलस्का एंड कॉर्डेटा. तो इसका आंसर होगा एलेरा एंड आर्थ्रोपोडा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड ए प्लांट रिप्रेजेंट एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया. मीन्स कौन से एनिमल का पेयर रिप्रेजेंट करता है एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स को. तो ऑप्शंस आर बेनेटिका, निकोबेरिका एंड रेड पांडा, टेमरिंड एंड रेसस मंकी, चिंचना एंड लियोपर्ड, बनियान एंड ब्लैक बक. इसका आंसर होगा A1. जुरासिक पीरियड ऑफ द मीजोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय. जुरासिक पीरियड में क्या था. ऑप्शंस आर जिम्नोस्पर्म्स आर डोमिनेंट प्लांट्स एंड फर्स्ट बर्ड अपीयर्स, रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स एंड ऑरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स, डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट एंड एंजियोस्पर्म्स अपीयर, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्स्ट डायनासोर अपीयर.
तो इसका आंसर हमारा होगा A1, जिम्नोस्पर्म्स आर डोमिनेंट प्लांट्स एंड फर्स्ट बर्ड अपीयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन अबाउट ट्रिप्नोजोमा, नोक्टिल्यूका, मोनोसाइटिस एंड गियार्डी। ऑप्शंस आर दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, दीज हैव दे हैव फ्लैजला, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, दीज आर ऑल पैरासाइट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट। ऑप्शंस आर द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लेक्सेस ऑफ CA2+ अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सीलिया आर हेयर लाइक सेल अपेंडेजेस, माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ सीलिया कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन, सीलिया कॉन्टेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबल 8 माइक्रोट्यूबुल सराउंडिंग 2 सिंगल माइक्रोट्यूबुल, जिसका फॉर्मूला होता है 9+2। तो इसका आंसर होगा C1, ये जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के। ये रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोब्स आर फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, ऐसे माइक्रोब्स जो हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही यूजफुल लगते हैं वो कौन से होते हैं। ऑप्शन आर एस्टेरिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम, रिब्रोकोलाई एंड टिल्ड बैक्टीरियोफेज, डिप्लोकोकस एंड सीडोमोनास, क्राउन गॉल बैक्टीरियम एंड कैनोर रेबेटिस एलिगेंस। इसका आंसर होगा A1, एस्टेरिया कोलाई जो है वो एक मोटाइल ग्राम नेगेटिव और रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है जो कि मोस्टली हमारे ह्यूमंस के कोलोन में रहता है। दूसरा हमारा है एग्रोबैक्टीरियम टिमेफेशियंस, ये एक सॉइल बैक्टीरियम है जिसके अंदर TI प्लास्मिड प्रेजेंट होता है, मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकोर ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड। एक फंगस एक बेड पे ग्रो करे इसके लिए कैसी क्या हमें आसपास की कंडीशंस चाहिए होती हैं। ऑप्शंस आर टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 95 डिग्री, एंड ए शेडी प्लेस ए ब्राइट इल्यूमिनेट प्लेस है। तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, चूज द आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसका आंसर होगा B1, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर बात करते हैं हम ह्यूमिडिटी की तो वो 95% होनी चाहिए एंड और एक शेडी प्लेस होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ऑप्शन आर फाइलोजेनी, एंसेस्ट्री, पैलेंटोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी। द आंसर इज दी A1, बिकॉज फाइलोजेनी का मतलब होता है इज द ऑरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनी टैक्सोन, और द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इट्स ऑरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन। नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो मतलब मीन्स किसको हम इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मानते हैं। सो ऑप्शंस आर वेस्टर्न घाट्स, इंडो गंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न घाट्स एंड अरावली हिल्स। आंसर इज द वेस्टर्न घाट्स। नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन ऑकर्स इन। ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन चलती है कहाँ पे, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पर ऑर्गेनिज्म। इसमें ये जो फोटो रेस्पिरेशन की जो रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे चलती हैं। नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, ऑप्शंस आर फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, प्रोडक्शन ऑफ मेल हनीबी, पॉड शेप इन गार्डन पी, स्किन कलर इन ह्यूमंस। इसका आंसर होगा स्किन कलर इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में अगर हम बात करें ह्यूमन के स्किन कलर के जीनोम्स की, तो वो होते हैं 2 टाइप के, एक होता है लाइट, एक होता है डार्क। ठीक है, तो जो डार्क होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डोमिनेंट जीनोम से, और जो लाइट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रिसेसिव जीनोम से, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, में से कौन सा एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता है. ऑप्शन आर एसिटाइलकोलाइन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोन. कॉर्टिसोन जो होता है वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह हेल्प एक्ट नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज कॉर्टिसोन जो है वो एक कॉर्टिको स्टेरॉइड है जो मतलब खुद में बायोलॉजिकली इनएक्टिव रहता है और ये बनता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में. एड्रेनल ग्लैंड जो होता है उसके एड्रेनल कॉर्टेक्स में ये जो एक्टिव हार्मोन है कॉर्टिसोल ये बनता है, इसलिए ये कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाई द पिट्यूटरी हार्मोन नॉन एस. सर्टोली सेल्स को कौन कंट्रोल करता है. ऑप्शन आर FSH, GH, प्रोलेक्टिन एंड LH. तो आंसर इज द FSH. नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन हार्मोन विच रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, लेवन डी ऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल. तो इसका आंसर होगा कॉर्टिसोल. The contractile protein of the skeletal muscle involving ATP's activity is a tropomyosin, myosin, A actinin and a tropolin. So answer is the myosin. Now next question. Which of the following is not a second messenger in hormone action? Means kaun sa second messenger nahi hai? Options are CGMP, calcium, sodium and CAM. So answer is the sodium. सोडियम जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है. नाउ इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी, राउंड सीड शेप आर वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड सीड, येलो कॉटिलेडॉन वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कॉटिलेडॉन, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इन द एप्ट जनरेशन, द क्रॉस आर बाई इनटू आर बाई. ऑप्शंस आर ओनली राउंड सीड्स विद ग्रीन cotyledons, only wrinkled seed with yellow cotyledons, only wrinkled seed with green cotyledons, round seeds with yellow cotyledons and wrinkled seed with yellow cotyledons. The answer is the D1. Now, one gene, one enzyme hypothesis was postulated by options R. Franklin, Hirsch and Chase, Agarod, and last one is the beetle and tetum. Answer is the beetle and tetum. Next question, one turn of helix in a B form of DNA is approximately. The one turn hota hai B DNA ka, ye jo one turn hai ye kitne nanometer ka hota hai. Options are 20 nm, options are 20 nm, 0.34 nm, 3.4 nm, 2 nm. Answer is 3.4 nm. Now next question, test cross involve. Test cross में क्या होता है, ये तो सबसे easiest question है. test cross में क्या होता है, test cross में एक F1 generation का hybrid होता है और एक double recessive genotype होता है. तो इसका answer क्या हो जाएगा यहाँ पे, C1. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल मींस दैट ऑप्शंस आर, वन स्ट्रैंड टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड्स एट द एंड शेयर द सेम पोजीशन, द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड वन स्ट्रैंड टर्न क्लॉकवाइज. आंसर इज द C1, दैट जो उनके एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, इनके जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियोला कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कनेक्ट करता है हमारे फैट बॉडी को मसल से, इंटीग्रुमेंट्स को मसल से, बोन को मसल से और बोन को बोन से. तो इसका आंसर हो जाएगा B1, इंटीग्रुमेंट्स को मसल से. मास्ट सेल सीक्रेट्स हेपरिन, मायोग्लोबिन, हिस्टामाइन एंड हीमोग्लोबिन. तो आंसर इज द हिस्टामाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, If a color blind woman marries a normal vision male, their sons will be all normal visioned, one half color blind and one half normal, 3/4 color blind and 1/4 normal, all color blind. तो answer is the all color blind. जैसे कि आप जानते हो कि color blind में क्या होता है, color blind में एक woman जो होती है वो हमेशा mostly वो एक carrier होती है, मतलब उससे disease होती है. लेकिन एक वोमन को कलर ब्लाइंड हो ये बहुत ही रेयर केस में होता है, और अगर एक वोमन को कलर ब्लाइंड है मतलब उसके दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम पे
कलर ब्लाइंड वाला जीन प्रेजेंट है, तो भले ही वो एक कलर ब्लाइंड मेल से शादी करे चाहे वो एक नॉर्मल मेल से शादी करे, उसके जितने भी उसके बच्चे होंगे चाहे वो बॉय हो गर्ल हो, वो सब कलर ब्लाइंड ही होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियोडोचेट सिंड्रोम इन ह्यूमन कॉज्ड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एक्स एग बाय ए नॉर्मल बाई बेयरिंग स्पर्म, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम बाई, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, ट्राइसोमी ऑफ 21। तो आंसर इज द लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। जब फाइव क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म जो है जब वो गायब होती है तो उसे कहा जाता है क्रियोडोचेट सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है? ऑप्शंस आर कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, रेस्ट्रिक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस सिंथेसाइज्ड डीएनए। आंसर इज द कि वो डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे कट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स लिपोप्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो हमारी बॉडी में ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एक तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट ऑफ बीओडी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इन टू नेचुरल सरफेस वाटर इज, ऑप्शंस आर मोर देन 3.0 ppm, मोर देन 10 ppm, मोर देन 100 ppm, मोर देन 30 ppm। तो आंसर इज द मोर देन 10 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्म्स आर ऑप्शंस आर यूरियोटेलिक व्हेन प्लेंटी वाटर इज अवेलेबल, यूरियोटेलिक व्हेन प्लेंटी वाटर इज अवेलेबल, यूरिकोटेलिक अंडर कंडीशंस ऑफ वाटर, अमीनोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। आंसर इज द अमीनोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्युमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हॉर्मोन्स, न्यूरो हॉर्मोन्स निकलते हैं कहाँ से? ऑप्शंस आर पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। आंसर इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसा सेंटर है ब्रेन का जहाँ पे न्यूरो हॉर्मोन्स जो है इकट्ठे होते हैं और यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुएशन का इमीडिएट कॉज क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप अपने कर लोगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? सो द रेसिडुअल एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन मैमल्स, प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन बर्ड्स, इन इंसेक्ट्स सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज, द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट्स एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन द फिशेस। तो इसका आंसर होगा A1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शंस आर पेरेंटिमा, पेरिप्लैनेटा, नोडियाना एंड ऑक्टोपस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? B1। पेरिप्लैनेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कॉकरोच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉर्मोन कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ऑक्सीजन कंसप्शन एंड ग्लूकोजेनेसिस। ऑप्शन आर ACTH, एड्रेनेलिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इसका आंसर होगा C1। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिसीज इज द बैक्टीरियम, प्रियोन, वर्म एंड वायरस। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? प्रियोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन सीप ट्यूब मेंबर्स इज सपोर्टेड बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल, पी प्रोटीन मास फ्लो इन्वॉल्व ए कैरियर एंड ATP, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो इसका आंसर होगा C1, मास फ्लो इन्वॉल्विंग ए कैरियर एंड ATP। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बायरेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ न्यूरोब्लास्ट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑप्शंस एज स्टारफिश एंड सिनेमोन, टीनोप्लैनेटा एंड बेरॉय, ऑरेलिया एंड पैरामीशियम, हाइड्रा एंड स्टारफिश। आंसर इज द C1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल इम्यून सेल इन द डायगॉट प्लांट, इन डायगॉट प्लांट में ये जो अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियाई का वो किस तरीके से अरेंज होती है? ऑप्शंस आर 2+2, 3+2+3, 2+3+3, 3+3+2। इसका आंसर होगा 3+2+3।
नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन एन एंजाइम डेट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड इज, एक ऐसा एंजाइम जो कि बार्ली सीड्स की जर्मिनेशन को बढ़ाता है. ऑप्शन आर अल्फामाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, इनवर्टेज. आंसर इज दी अल्फामाइलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सीरियल ग्रेन द सिंगल कॉटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाई, कोई भी सीरियल ग्रेन है उसके सिंगल कॉटिलेडन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस नेम से. ऑप्शन आर कॉलोराइजा, स्क्यूटेलम, प्रोफाइल एंड क्लियोप्टाइल. आंसर इज द स्क्यूटेलम. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाई अवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स. जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी में CO2 बनती है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती किस फॉर्म में. ऑप्शन आर डिजॉल्व इन द ब्लड, एज बाइकार्बोनेट्स, एज कार्बोनेट्स अटैच्ड टू हीमोग्लोबिन. तो आंसर इज द एज बाइकार्बोनेट्स. ट्राई टू किल द फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप हैज बीन ऑब्टेन्ड बाई क्रॉसिंग वीट विद राई, पर्ल मिलेट, सुगर केन एंड बार्ली. जिसका आंसर होगा राई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स, वायरस फ्री प्लांट्स को ऑब्टेन करने के लिए टिश्यू कल्चर से, इससे मतलब टिश्यू कल्चर से वायरस फ्री प्लांट्स को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है. ऑप्शन आर प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एम्ब्रियो रेसिक्यू, एंथर कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर. आंसर इज द मेरिस्टेम कल्चर. HIV इट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड हेल्पर टी सेल्स. जब किसी को एड्स होता है, जिसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV से होता है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस से, सबसे पहले वो T4 लिम्फोसाइट्स को और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को मारता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग साइट्स ऑफ एनिमल्स डू ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग वंस, इनमें से कौन सा यंग वंस को बर्थ देता है. ऑप्शन आर लॉइन, बैट, वेल, ऑस्ट्रिच. ये तो नहीं होंगे बिकॉज ऑस्ट्रिच जो है वो तो अंडे देती है. प्लेटिपस, पेंगुइन, बैट, हिप्पोपोटामस. ये भी नहीं होगा. शू, बैट, कैट, क्यू. ये भी नहीं होगा. कंगारू, हेडजॉग, डॉल्फिन, लॉरिस. आंसर इज डीमन. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन्स, इट इज नॉट ए फैटल डिसीज, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया, इट इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन्स. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा C1. टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब. ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो हमें सेंटीपीड, कॉकरोच, क्रैप में मिलते हैं. ऑप्शन आर कंपाउंड आई एंड एनलसरी, जॉइंटेड लेग एंड काइटनस एंड एक्सोस्केलेटन, ग्रीन ग्लैंड एंड ट्रेकिया, बुक लंग्स एंड एंटेना. तो इसका आंसर होगा B1. जॉइंटेड लेग्स जो होते हैं वो कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं, क्रैप में भी होते हैं, सेंटीपीड्स में भी होते हैं, और इनका बाहर का जो कवरिंग होती है वो काइटनस कवरिंग होती है. ये भी सही है. नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन्स कॉरिया आर बैक्टीरिया रिलेटेड डिसीज, कॉन्जेंटियल डिसऑर्डर्स, पॉल्यूटेंट इंड्यूस डिसऑर्डर्स, वायरस रिलेटेड डिसऑर्डर्स. तो आंसर इज दी B1. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोटेंसिनोजन इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सीक्रेटेड बाई. ऑप्शन आर मैक्यूला डेंसा सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, लिवर सेल्स एंड जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स. आंसर इज दी C1. तो आज का हमारा जो वीडियो है गाइस यहाँ पे एंड होता है. अगर आपको वीडियो अपने नीट के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.